This is fight week. I'll respect that. Come out here, four. Because of Roman Reigns and Paul Heyman. Now listen, no need to worry. As you can see, I'm dressed to fight. Standing here dressed to fight, I challenge you right here in this ring. You're gonna let your manager hold you back? It's certainly a guy you... दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक WWE में जल्द ही ऐसा हो सकता है। WWE में ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच पिछले साल समरस्लैम में कोडी रोड्स के खिलाफ था और हम सभी ने सोचा था कि वह इस साल रॉयल रंबल में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में कहा है कि ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के रिप्लेसमेंट थे, और ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब ये है कि फॉर्मर WWE एम्प्लॉई जैनल ग्रैंड ने विंस मैकमहन के खिलाफ एक केस फाइल किया और इसमें ब्रॉक लेसनर भी शामिल है, इसीलिए WWE ने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर की जगह ब्रॉन ब्रेकर को रखा। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में कहा है कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को 2K गेम से हटा दिया है। ऐसे में फैंस ब्रॉक लेसनर की WWE में रिटर्न को लेकर वरीड है, लेकिन रेसलिंग जर्नलिस्ट डेव मेल्सन ने कहा कि अगर विंस मैकमहन अप्रैल से पहले इस केस को सोल्व सकते हैं तो ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में वापसी करेंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।